दशहरा के बाद दीपावली, फिर छठ की पूजा होने वाली है। सभी छठ घाटों की साफ सफाई और निरीक्षण किए जा रहे हैं। बाजारों में भी काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। वही छठ पूजा में डाला के लिए लगने वाले डलिया और सूप की भी बनने की तैयारी जोरों पे है। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के बरमसिया मोहल्ले टोला से लोग सूप बनाते आ रहे हैं। वे बताते हैं कि ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। छठ पूजा नजदीक है, इन सभी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से पूरा परिवार इसे बनाने में लगता है और इसी से पूरे परिवार की भरण पोषण भी होती है। लोक आस्था के महापर्व छठ में बांस से बने सामानों का खास महत्व होता है। खासकर सूप और दौरा के बिना इस पर्व को अधूरा माना जाता है। यही वजह है कि बांस से सामान बनाने के काम में जुटे कारीगर दिन रात एक कर लगे हुए हैं। पाकुड़ जिले के हिरणपुर बरमसिया में मोहली समुदाय के लोग पूरे परिवार के साथ बांस से सूप, दौरा, दलिया बनाने में जुटे हैं। लेकिन अजीब विडंबना है, पर्व त्योहार और शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों में इनके हाथों से बने सामानों को सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन इनके उत्थान के लिए अब तक कोई खास पहल नहीं की गई। इनके परिवार का भरण पोषण पर्व त्योहारों पर ही निर्भर है। बांस का तो बांसों का सब चीज बना रहे हैं, तो बांस में मतलब हर एक चीज बन रहा है, डाली हो, सूप हो, तो हम लोग का विक्रेता बहुत कम हो रही है। लेकिन पूजा का समय में, मतलब पूजा का समय में छठ पूजा हुआ, जितिया का पूजा हुआ, उस टाइम मतलब हम लोग का बिक्री थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और मतलब काफी 10-20 रुपया हम लोग को काफी रेट भी मिलता है। तो वही में हम लोग घर परिवार मतलब बाल बच्चा सबको मतलब थोड़ा मतलब हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं, थोड़ा रुपया भी 10-20 रुपया ज्यादा आता है, इसीलिए हम लोग और जोर से हम लोग जोर लगा के मेहनत करते हैं। इनका खाना है दिन रात की मेहनत के बाद भी बाजार में इन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। औने पौने दामों पर व्यापारियों के हाथों इन्हें अपना सामान बेचना पड़ता है। बांस के बढ़ते दाम ने इनके मुनाफे को काफी कम कर दिया है। कम होता है, इसी तरह से हम लोग पेट पालते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, देखभाल करते हैं बच्चा लोग का, और क्या होगा, जो हम लोग सुविधा चाहते हैं वो तो नहीं होता है, और क्या होगा। अभी तो होना चाहिए 200-250 होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो 50-60 रुपए करके बेचते हैं, और बांस का दाम तो 250-300 हो गया बोझा, माने तीन पीस रहता है, इसमें 250-300 लग जाता है हम लोग का, प्रॉफिट हम लोग को नहीं आता है। पुस्तैनी काम में जुटे मोहली समुदाय के लोग आखिर करे भी तो क्या करे, ना इनके पास जमीन है कि ये खेती करेंगे और ना ही कोई दूसरा काम, लिहाजा ये अपने पुस्तैनी काम के सहारे ही जीवन यापन करने को मजबूर है। अभी सीजन है, इसलिए थोड़ा बेसी दाम में बिकता है, सब करेगा, जितना हम लोग परिवार हैं सब परिवार से बनाते हैं, ये हमारा काम है, कोई काम तो नहीं है, कोई खेती उती काम भी नहीं, कुछ नहीं, यही काम करते हैं, इसी से हम लोग का मजदूरी चलता है। त्योहार जीवन में नया उत्साह और उमंग लाता है, मोहली समुदाय भी कुछ ऐसा ही सोचता है, लिहाजा सरकारी पहल से मशीन और ट्रेनिंग उपलब्ध कराकर इनके जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सकता है, तभी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पाकुड़ से संजय की रिपोर्ट।